सरोकार। शरद पवार ने भाजपा पर कसा तंज, बोले वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बताई जा रही राम मंदिर तैयार करने की तारीख। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे को लेकर बड़ा खुलासा, लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की बनाई थी योजना। ब्राजील में अमेरिकी संसद जैसी हिंसा, पूर्व प्रेसिडेंट के हजारों समर्थक संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसे। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में संक्रमण को लेकर वार्निंग जारी, एक्सपर्ट बोले 15 जनवरी के बाद मामलों में उछाल। तीसरे T20 के दौरान मैदान में घुसा था युवक, उमरान मलिक के पैर पकड़े श्रीलंकाई खिलाड़ी ने पकड़कर सिक्योरिटी को सौंपा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। औरैया में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां दो पक्षों में दरवाजा रखने को लेकर विवाद के बाद लाठी डंडे चल गए। बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें, ये सारा मामला औरैया जिले के विधुना नगर के आदर्श नगर का है। थाना अंतर्गत सोशल मीडिया पर मारपीट का वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि विधुना थाना अंतर्गत मोहल्ला आदर्श नगर में दरवाजा रखने को लेकर के आज सुबह 10 बजे दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर बदायूं से है, जहां पर एक अज्ञात जानवर ने 44 भेड़ों को घायल कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें, मामला गौशाला के पास भेड़ों के बाड़े में एक अज्ञात जानवर ने घुसकर 44 भेड़ों को घायल कर दिया, जिससे पूरे कस्बे में डर का माहौल है। वहीं सत्यवीर ने बताया कि अभी तक यह जानकारी नहीं हो पाई थी कि अज्ञात जानवर कौन सा था, जिससे कस्बे में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम धनवीर है, छोटे भैया ही धाना है। अच्छा, कर रहा हूँ। कौन था भाई? कौन था गाँव? अलापुर है गाँव, अलापुर। ये तुम्हारी जो भेड़े खत्म हुई हैं, क्या बात हुई? रात के हम 12 बजे आए थे, भेड़े देखवार के अपने ही आगे बिजारते हैं और चले गए जी। फिर अपने बाबा के घर में बाल बच्चा के लेट था। अच्छा, तो सवेरे जब आए तो पता नहीं इसमें जंगली जानवर कौन सा क्या घुस गया। ये करीब 27 को मर गए, 27 भेड़े और बाकी जी खड़ी हैं, जख्मी हैं। सवेरे मतलब आए 6:30 बजे जी। तो जी मतलब इतनी गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी मोदी नगर अवधेश त्रिपाठी को लाइन हाजिर किया, साथ ही एसीपी सुनील कुमार सिंह का स्थानांतरण किया गया। दरअसल कमिश्नर अजय मिश्रा मोदी नगर थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान थाना प्रभारी थाने पर नहीं मिले, जिससे नाराज पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद वापस लौट गए, जबकि कवि नगर के एसीपी रितेश त्रिपाठी को मोदी नगर का चार्ज दिया गया है। खबर गोंडा से है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर हरदोई से है, जहां सांडी इलाके में इंटरलॉकिंग ईंट से भरकर जा रहा ट्रैक्टर विद्युत पोल से टकरा गया और विद्युत पोल टूटकर पास में खड़े 9 साल के मासूम के ऊपर गिर गया, जिससे मासूम की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
में नीभापुर गांव के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्राली बैक करते हुए एक विद्युत पोल से टकरा गई। दुर्घटनावश एक पोल गिरने से इस बच्चे की मृत्यु हो गई है। 9 वर्ष का बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई। उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है और वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त करके उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। क्योंकि ट्रैक्टर चालक पहले ही फरार हो गया था तो उसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ काम वगैरह चल रहा था ग्राम में, क्या कुछ ईंट वगैरह उतार रहे थे ट्रैक्टर से। कासगंज के गंज डुंडवारा बाग पंचायती में टाइगर स्पोर्टिंग क्लब के सौजन्य में होने वाले दिनेश चंद्र आर ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस दौरान चेयरमैन संजीव महाजन और संरक्षक हरीश चंद्र पालीवाल ने मैच खेलकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान कई खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर आर के गुप्ता ने संजीव महाजन का माल्यार्पण कर स्वागत किया। खबर रायबरेली से है, जहां क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने रोड पर खड़े कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल को मौके पर अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। बता दें ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल रोड के पास का है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर स्पेलर में फंसने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा स्पेलर में काम करते समय हुआ। स्पेलर में युवक का शरीर पूरी तरह से फंस गया। मौत की सूचना पर दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद युवक के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये मामला थाना विजयगढ़ क्षेत्र के नगलावरी मंदिर का है। संभल के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क ने लखनऊ में समाजवादी के ट्विटर हैंडल के अग्रवाल को गिरफ्तार किए जाने के सवाल में अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये भी गलत किया गया है, भले ही वो ट्विटर चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी के लीडर और अध्यक्ष एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी इस वक्त इस चीज को अपने हाथ में लेकर वह पहुंच गए हैं और उनकी मांग यही है कि उनको फौरन रिहा किया जाए। दुखी थे, जिन पर कपड़ा भी नहीं था पहनने के लिए, भूखे भी थे कुछ लोग। पर ऐसी हालत में इंसानियत का तकाजा था, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत के ग्राउंड पर यह फैसला दिया है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। आज मुल्क को ऐसे ही फैसलों की ज़रूरत है और जब तक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।